बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में कोयला तस्करी को लेकर स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से दिन के उजाले में कोयला तस्करी हो रही है। राज्य के बड़े पदाधिकारी के नाम पर यह तस्करी की जा रही है। चौधरी ने कहा कि मैंने पहले भी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, अगर स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट के बाद भी कोयला तस्करी पर कार्रवाई नहीं होती है तो सड़क पर प्रदर्शन किया जाएगा। जो रिपोर्ट आया है, जो स्पेशल ब्रांच का जो रिपोर्ट है, तो सरकार का एजेंसी या सरकार ही खुद कह रहा है कि कोयला तस्करी हो रहा है। आम लोग तो देख ही रहे रोज किस प्रकार पुलिस प्रशासन कोयला ही नहीं बल्कि कोयला, लोहा, बालू, पत्थर किस प्रकार पूरे राज्य में तस्करी हो रहा। और इस पर खुले तौर पर हम कहेंगे कि सरकारी पदाधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन के लोग हो, सभी लोग इस पर इन्वॉल्व है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। यह रात के अंधेरे में ही क्या, अब तो दिन में ही हो रहा, लेकिन इस सबसे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और माफियागिरी और कोयला तस्करी होगा तो निश्चित है आगे आने वाले समय में बड़ी घटना का भी अंजाम हो सकता है कि लोग आपस में भिड़े। देखिए, जो रिपोर्ट आया है, जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।